कोलकाता पुलिस ने होली से पहले शराब की अवैध खेप का पर्दाफाश किया। पुलिस ने रकमसेरा गांव में छापा मारकर 100 पेटी में बंद 3000 से ज्यादा शराब की बोतल जब्त की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुमला थाने के रकमसेरा गांव में छापा मारा था। ये छापा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मारा था। पुलिस ने गांव में कृष्णा सिंह और मनोज सिंह के घर पर अवैध तरीके से रखे शराब की बड़ी खेप जब्त की। बताया जा रहा है कि पुलिस को शराब के अवैध भंडारण की जानकारी मिली थी। वहीं गुमला थाना प्रभारी शंकर ठाकुर ने बताया कि होली से पहले अवैध रूप से शराब की खेप छुपा कर रखी गई थी। शंकर ठाकुर ने बताया कि बाबूलाल और नीरज सिंह ने ये शराब की खेप अवैध तरीके से स्टोर करवाया था। ठाकुर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शराब के बढ़ते इस्तेमाल से इलाके में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। होली के मद्देनजर रखते हुए ही जो है सूचना संकलन हम लोग लगे हुए हैं कि कोई अवैध शराब कहीं अन्यत्र स्थान पर भंडारण तो नहीं कर रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली कि जो है रकमसेरा के पास जो है कृष्णा सिंह और आपके मनोज सिंह के यहाँ दोनों के घर में जो है भारी मात्रा में जो है देसी शराब का जो है भंडारण किया गया है। यह भंडारण जो है राइडी का जो है एक लाइसेंसधारी जिसका नाम है नीरज सिंह और बसिया का है लाइसेंसधारी जिसका नाम है बाबूलाल, ये दोनों मिलकर के कि होली में चूंकि ज्यादा शराब का खपत होता है तो वहां से भंडारण करके गांव में जो है इस तरह का जो है भंडारण करके वो अवैध रूप से जो है बेचने का प्रयास किया। करीब 100 पेटी जो है देसी शराब जो है बरामद हुआ है जिसको जब्त किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तारी के लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इस शराब तो अधिक सेवन करने से मानव जीवन पर तो प्रभाव पड़ता ही है और इसको रोकथाम के ही लिए ही जो हम लोग इस तरह का जो है सूचना तंत्र को मजबूत कर जो है इस तरह से छापामारी कर बरामद कर रहा है। पुलिस ने रणनीति तैयार की है एवं अवैध रूप से कारोबार करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई। इधर पुलिस की कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।